नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। दरअसल ये जो सीरीज है ये मानी जा रही थी भारत के फेवर में कि भारत ऑस्ट्रेलिया के हौसले पस्त है, ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। 9 महीने में ऑस्ट्रेलिया ने एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता पिछले, उसके बाद पर्थ में वापसी की और भारत को बहुत बुरी तरह हराया। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम तैयार है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए। जी हाँ, 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। ऐसे में कोच रवि शास्त्री ने प्रैक्टिस सेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेलबोर्न में, और जब उनसे पूछा गया कि आप क्या टीम कॉम्बिनेशन को लेकर सोच रहे हैं, उन्होंने कहा कि ओपनर्स पर फैसला हम मैच से 48 घंटे पहले यानी कि कल लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अश्विन अभी पूरी तरह फिट नहीं है। जडेजा ने इंजेक्शन लिया है क्योंकि उनको यहाँ पर पेन था कंधे में और उस इंजुरी के चलते हमने उन्हें टेस्ट मैच नहीं खिलाया, यानी कि शास्त्री ने अपना जो है पल्ला झाड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि आधे से ज़्यादा प्लेयर तो आपकी टीम में चोटिल है। रोहित शर्मा आप ले लीजिए, रविंद्र जडेजा ले लीजिए, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, तीन अगर ये खिलाड़ी नहीं है फिट तो आप इन्हें भारत भेज दीजिए। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने ज़्यादा मच डोमेस्टिक क्रिकेट उतना नहीं खेला, उतनी मैच प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या टीम जब सिलेक्ट हो रही थी तो रवि शास्त्री सोए हुए थे? क्या उनको ये पता नहीं था कि आपकी टीम में जो खिलाड़ी हैं वो फिट हैं या नहीं है? मैच फिट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है लेकिन फिटनेस पर काम भी करना होता है। तो चलिए, रवि शास्त्री ने क्या कुछ बयान दिया और क्या मेलबर्न टेस्ट में होने वाला है, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा हम आपको लेके दिखाते हैं। देखिए क्या है हमारी खास रिपोर्ट में आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में टीम इंडिया आज मेलबोर्न में पहला प्रैक्टिस सेशन करने उतरी। बड़ी बात यह रही कि फर्स्ट टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो ओपनिंग जोड़ी को लेकर समस्या है, वहीं मैच फिटनेस को लेकर भी काफी समस्याएं थी। हालांकि मेलबोर्न टेस्ट से ठीक पहले प्रैक्टिस सेशन पर सभी खिलाड़ी जमकर अभ्यास करते हुए नजर आए। रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा ने भी जमकर अभ्यास किया और उन पर जो सवालिया निशान लगे थे अनफिट होने के, वो लगभग वो पूरे देते हुए नजर आए। हालांकि भारत का प्रदर्शन इस सीरीज में बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एडिलेड टेस्ट मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद है और ऑस्ट्रेलिया पर्थ जीतने के बाद पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से लबरेज हो चुका है। अब अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस साल को एक अच्छे नोट पर खत्म करना चाहेगा भारत। अब देखना दिलचस्प होगा कि मेलबोर्न में क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा पाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया पूरी तरह से तैयारी कर रही है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया की फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ओपनिंग जोड़ी को लेकर। केएल राहुल और मुरली विजय कसम खा के बैठे हैं कि वो रन नहीं बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ के स्वदेश लौटने से टीम की ओपनिंग की समस्याएं और बढ़ गई हैं। हालांकि अगर कप्तान विराट कोहली चाहे तो वो पार्थिव पटेल या मयंक अग्रवाल से ओपन करा सकते हैं, या हो सकता है कि रोहित शर्मा भी ओपन करें। वैसे हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच शास्त्री ने कुछ इशारे किए। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा 100% फिट हैं और वो हमारे वैल्यूएबल प्लेयर हैं, यानी कि रोहित शर्मा प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं मेलबोर्न टेस्ट में। अब अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो रोहित शर्मा ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं मयंक अग्रवाल के साथ। मयंक अग्रवाल के बारे में भी रवि शास्त्री ने कहा कि उन्होंने इंडिया ए और रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छे रन्स बनाए हैं, ऐसे में उनको नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। यानी कि अब देखना होगा कि क्या भारत को नई ओपनिंग जोड़ी मिलेगी और क्या मयंक अग्रवाल के साथ रोहित शर्मा ओपन करते हुए नजर आएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जाना है। ऐसे में इस टेस्ट मैच को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। टीम की ओपनिंग जोड़ी काफी ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोच शास्त्री ने ओपनिंग जोड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा काफी ज्यादा मैच फिट हैं और अगर वो मैच फिट होते हैं तो हम उन्हें खिला सकते हैं। यानी कि अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि मयंक अग्रवाल के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और केएल राहुल और मुरली विजय दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा वनडे और टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हैं। ऐसे में हनुमा विहारी के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोहित की जगह 6 नंबर पर तो नहीं लग रही। अगर रोहित को यहां पर भारतीय टीम खिलाती है तो हो सकता है कि रोहित ओपन भी कर सकते हैं। अगर रोहित ओपन करते हैं तो शायद टीम इंडिया को थोड़ा सा फायदा हो सकता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टेस्ट सीरीज जारी है, जहां पर फिलहाल दोनों टीमें एक एक से सीरीज में बराबरी पर हैं। ऐसे में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि यह टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जाना है, जहां पर बॉक्सिंग डे कहा जाता है, और मेलबर्न में ये टेस्ट मैच होगा। ऐसे में टीम इंडिया की सबसे बड़ी समस्या उनका टॉप ऑर्डर है, यानी कि जो ओपनिंग की समस्या है भारतीय टीम को, उससे निजात पाना होगा। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को लेकर बयान दिया है। सचिन ने कहा कि जब खिलाड़ी अपनी लय में ना हो और उसके बल्ले पर बॉल ना लग रही हो, तो बेटर है कि आप आकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, और केएल राहुल को कुछ ऐसा ही करना चाहिए। सचिन ने यह भी कहा कि केएल राहुल कुछ दिन रेस्ट लें, बेहतर क्रिकेट खेलें और एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट ज्वाइन करें, क्योंकि वहां रहकर आप अपने करियर को दांव पर नहीं लगा सकते। सचिन ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है नए खिलाड़ियों को मौका देने का। पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत जिस तरह से परफॉर्म करके आए हैं, उसी तरह आपको एक बार फिर मयंक अग्रवाल को भी बैक करना पड़ेगा, और अगर मयंक अग्रवाल रन करते हैं तो शायद भारतीय टीम का कुछ भला हो जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जाना है। फिलहाल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज एक एक से बराबर है। ऐसे में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच काफी ज्यादा अहम होने वाला है। बड़ी बात यह है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मेलबर्न में है, और इस बार फिर ड्रॉप इन सरफेस यूज किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ड्रॉप इन सरफेस यूज होने की वजह से क्या मेलबर्न की पिच में बदलाव आएगा। अमूमन मेलबर्न की पिच जो है उसमें ज्यादा बाउंस होता नहीं है, और बल्लेबाजी के लिए कंपैरेटिवली ये पिच बाकी स्टेडियम से आसान होती है। लेकिन मेलबर्न में इस बार जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, पिच एक बार फिर ग्रीन टॉप होगी, यानी कि पर्थ में जिस तरह से हरी भरी घसियाली पिच देखने को मिली थी, एक बार फिर इस मैच में भी घसियाली पिच देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये हम सभी जानते हैं कि विराट इस पिच से नहीं डरेंगे, लेकिन डर हमारे बल्लेबाजों को लग रहा होगा। शायद इस वजह से विराट हैरान भी होंगे कि आखिर इस तरह की पिच अगर मिल गई तो क्या हम बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हार जाएंगे, क्या हमारे बल्लेबाज इस पिच पर रन बना पाएंगे, क्या हमारे बल्लेबाजों के पास ये कॉन्फिडेंस है कि वो यहां पर अच्छे रन स्कोर कर सकें, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आईसीसी विश्व कप 2019 की शुरुआत होने में बस अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है। ऐसे में कुछ महीनों के समय में सभी टीमें अपने परफेक्ट कॉम्बिनेशन को तैयार करने में जुटी हुई हैं। 4 साल में अब ये पता लग जाएगा कि कौन सी वो टीम है जो विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार है और क्रिकेट में सबसे बेस्ट है। बता दें आपको कि इन दिनों आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की चमचमाती ट्रॉफी के बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है। ये ट्रॉफी करीब 11 देशों का दौरा कर चुकी है। ऐसे में हाल ही में कप्तान विराट कोहली, जो टीम इंडिया के कप्तान हैं, वो और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ नजर आए। दोनों वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ खड़े हुए थे और ये ट्रॉफी मेलबर्न में देखी गई। बड़ी बात यह है कि मेलबर्न में खड़ी इस ट्रॉफी का असली सच ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 2015 विश्व कप जीता था तो उनको आईसीसी ने एक अलग से ट्रॉफी, हालांकि आईसीसी जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो मेन ट्रॉफी अपने पास रखती है और जीतने वाली टीम को एक अलग से ट्रॉफी बना कर देती है। ऐसे में वर्ल्ड कप कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं चमचमाती ट्रॉफी देखकर विराट कोहली का भी मन कर रहा होगा कि इस ट्रॉफी को 14 जुलाई 2019 को लिफ्ट किया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी टीमों में कौन सी टीम बाजी मारती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच, यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जाना है। फिलहाल ये सीरीज एक एक से बराबर है। ऐसे में तीसरे टेस्ट मैच में क्या टीम इंडिया में बदलाव होंगे, ये बात भी सवाल पैदा करती है। जी, आपको बता दें कि टीम इंडिया को फिलहाल ओपनिंग जोड़ी की समस्या को लेकर जूझना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पर टेस्ट में स्पिनर ना खिलाना टीम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा था। ऐसे में तीसरे टेस्ट में क्या कोई स्पिनर शामिल होगा, इस सवाल पर टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। शास्त्री ने कहा कि रविचंद्रन अश्विन हमारी पहली चॉइस हैं, और अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर हम बहुत मुश्किल से स्पिनर को खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि रविचंद्रन अश्विन अभी फिलहाल फिट नहीं है, और अगर वो पूरी तरह फिट नहीं होते हैं तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम उन्हें तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खिलाएंगे। साथ ही उन्होंने जडेजा की इंजरी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जडेजा के कंधे में दर्द है और इस वजह से उन्होंने इंजेक्शन लिए हैं, और अगर जडेजा फिट होते हैं तो वो भी खेल सकते हैं, यानी कि अश्विन का ना खेलना लगभग तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस दिन मैच होता है उस दिन के अश्विन फिट होते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, कल होगी फिर मुलाकात भारत और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ अन्य ट्रेंडिंग खबरों के साथ। हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।